नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की स्ट्रेटजी और प्राइस एक्शन अलग अलग होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करें और वो भी वीवेब की मदद से। तो वीवेब के ऊपर ये पूरा वीडियो रहने वाला है। वीवेब में आपको कैसे बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम चार्ट पर चले जाते हैं और चार्ट पर हम एक बाइंग एंट्री को इनिशिएट करके देखते हैं कि बाइंग एंट्री हमें कैसे लेनी है और किस समय लेनी है। तो सबसे पहले हमने निफ्टी का फ्यूचर चार्ट अप्लाई कर दिया है और आपको वीवेब यानी कि वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वाले शेयरों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी के इंडेक्स में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ निफ्टी के फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीवेब आप सिंपल से इंडिकेटर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिकेटर में जाकर आपको वीवेब करके सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद वीवेब की सेटिंग में जाना है और इसकी सेटिंग में आपको इस लाइन है उसकी थिकनेस को बढ़ा देना है और इसका कलर आपको गोल्डन कलर कर लेना है। और मैं यहाँ पर आपको इसका बाइंग सेटअप तैयार करके आपको बताने वाला हूँ। और ये मॉर्निंग में सबसे बढ़िया काम करती है निफ्टी में, वो भी 9:30 के बाद आप एंट्री लीजिए, आपका जो टारगेट है वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपका सेटअप बनेगा और आप विप्सों से भी बचेंगे यानी रॉन्ग ट्रेड करने से भी बचेंगे। तो सबसे पहले हम बाइंग एंट्री कैसे इनिशिएट करेंगे, तो पहले इसमें हम टाइम फ्रेम 5 मिनट का लेने वाले हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करने वाले हैं। और आप सेटिंग में जाके क्या करिएगा कि जो कैंडल की विक्स होती है उसके कलर को डार्क कर दीजिएगा। तो डार्क करने से क्या होगा कि आपको विक्स है वो अच्छे से दिखेगी और आप अच्छे से चार्ट पर मार्क कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीवेब के ऊपर मॉर्निंग में पहले कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं। तो देखिए, पहले जो कैंडल है वो रेड में बंद हुई है और वीवेब के नीचे ही बंद हुई है और दूसरी कैंडल आप देखेंगे तो वीवेब के ऊपर क्लोज हुई है और काफी ऊपर क्लोज हुई है, यानी ये एक बुलिश ट्रेंड यहाँ से चालू हो गया है। यानी वीवेब के ऊपर अगर प्राइस मूव कर रहा है तो हम यहाँ पर बुलिश मूवमेंट मानते हैं और FIDI वीवेब का उपयोग करके ही ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर मार्केट ने वीवेब के ऊपर क्लोजिंग दी है। हम अब क्या करेंगे, दूसरी कैंडल का वेट करेंगे कि दूसरी कैंडल भी पहली कैंडल का हाई है वो ब्रेक करना चाहिए। तो दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया है। हमें क्या करना है कि वीवेब को जो भी कैंडल ब्रेक करती है तो उससे हम मार्क कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे मार्क कर लिया है और यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देगी, हाँ, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर छोटी कैंडल बन रही है तो आप यहाँ पर प्राइस को वीवेब पर आने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस वीवेब के ऊपर आया तो यहाँ से आप बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे तो जो भी कैंडल आपके वीवेब के ऊपर अच्छी क्लोजिंग करती है उसी का जो लॉ होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है और इस कैंडल का हाई से हमें एंट्री लेनी है। और हाई से लेने के बाद इस कैंडल की जितनी भी लेंथ होगी इस लेंथ का 3 गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 20 पॉइंट की, तो 3 गुना कर देंगे 60 पॉइंट, तो यहाँ पर 60 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर हम टारगेट इनिशिएट कर देंगे पहले से ही। जैसे ही प्राइस पॉइंट को ब्रेक करेगा या इस पॉइंट के पास जाएगा हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फ्यूचर में आपको यहाँ पर पूरे 60 पॉइंट मिलेंगे, हो सकता है ऑप्शन में आपको 45 पॉइंट ही मिले। वीवेब मॉर्निंग में बहुत अच्छे से काम करता है और आप इसका जो टारगेट है 3 तरह से ले सकते हैं। पहला तो 1:3 यानी आपकी जो रेंज है उसका 3 गुना कर लीजिए। दूसरा, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाएंगे और आपका जहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टॉप हो जाए वहां पर आप एग्जिट कर जाएंगे। तीसरा, आप 9 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 9 मिनट का मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता हूँ। जब भी इस नीचे क्लोजिंग हो जाए कैंडल की, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो वीवेब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रेंज बाउंड मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ये मॉर्निंग में जब ट्रेंडिंग होता है मार्केट तब अच्छे से काम करता है और 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कभी भी वीवेब के ऊपर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अगर कोई न्यूज वगैरह है तो ही आप ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच में मार्केट रेंज बाउंड रहता है, निफ्टी मैक्सिमम रेंज बाउंड रहता है और इस बीच आप ट्रेडिंग के लिए अवॉइड कीजिए। वीवेब की मदद से सेलिंग में आपको मॉर्निंग में कैसे एंट्री लेनी है, तो मॉर्निंग में आप देखिए कि जब भी कोई कैंडल वीवेब के नीचे क्लोज हो जाए तो देखिए दूसरी वाली कैंडल वीवेब के नीचे अच्छे से क्लोज हुई है तो हम इसे मार्क कर देंगे और दूसरी हमने जो इस कैंडल को मार्क किया है उस कैंडल का भी लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरी कैंडल ने भी लो ब्रेक किया है तो आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पर हमने जो लाइन खींची है इसके नीचे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पर हम सेलिंग एंट्री लेंगे क्योंकि वीवेब के नीचे प्राइस चल रहा है। देखिए इसी कैंडल का हाई यहाँ पर हम स्टॉप लॉस मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसे हम वही 1:3 का रेशो लेंगे टारगेट के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने पॉइंट का, यहाँ 23 पॉइंट का, तो 23 पॉइंट का यहाँ पर 69 पॉइंट का हम टारगेट डिसाइड कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ 9 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। 9 पीरियड का मूविंग एवरेज जब भी उसके ऊपर क्लोजिंग हो अपनी एंट्री से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर काफी अच्छा बड़ा मूवमेंट मिला है। अदरवाइज आपको 1:3 जैसे ही मिल जाता है मॉर्निंग में आप एग्जिट हो जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेलिंग में आपको एंट्री लेनी है और बाइंग में भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से एंट्री लेनी है।
दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि निफ्टी में कभी भी 11 बजे के बाद से लेकर 1 बजे के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बीच पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहता है और रेंज बाउंड मार्केट में आप कभी भी एक अच्छा बाइंग और सेलिंग का जो टारगेट है वो नहीं ले पाएंगे। वी वेब का कंफर्मेशन बढ़ाने के लिए आप RSI इंडिकेटर उपयोग कर सकते हैं, तो RSI इंडिकेटर में जाकर ऐड कर लीजिएगा। इसके सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको पीरियड नौ कर देना है, थोड़ा सा लाइन को बोल्ड कर दीजिएगा, 70-30 का रेशियो रखिएगा और आप इस सेटिंग को सेव कर दीजिएगा। तो वीवेब में आपको ये देखना है कि जब भी RSI 50 के ऊपर है तो बाइंग सिग्नल जनरेट करेगा, अगर 50 के नीचे है तो सेलिंग सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। तो जब भी आप देखिएगा कि आपने यहाँ से जैसे एंट्री ली है तो अभी ओवरऑल RSI ओवरबॉट जोन में तो है ही, पर उसके पहले भी वो ऑलरेडी 2-3 बार ऊपर जा चुका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ओवरबॉट जोन है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट लगातार नीचे आया है। इसी प्रकार से अगर मॉर्निंग में यहाँ पर अपने सेलिंग एंट्री ली है तो देखिए ओवरबॉट मार्केट काफ़ी समय से ओवरबॉट चल रहा है, और जब आपने यहाँ पर एंट्री ली तब भी ओवरबॉट ही जोन है, तो ये एक अच्छा साइन है कि या तो ओवरबॉट जोन होना चाहिए या तो फिर 50 के नीचे RSI होना चाहिए, तो आपकी जो एंट्री है वो परफेक्ट बैठेगी। इसी प्रकार बाइंग में आपको देखना है कि RSI या तो ओवरबॉट होना चाहिए या 50 के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए RSI ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है और RSI के बाद वी वेब ने भी अच्छे से सपोर्ट लिया है, तो आप यहाँ पर बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई भी बाइंग सेलिंग एंट्री बना के रखी है तो वी वेब की मदद से आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई बाइंग एंट्री बना के रखी है और प्राइस वी वेब के नीचे आता है तो ट्रेड एग्जिट कर दीजिएगा। इसी प्रकार अगर आपने कोई सेलिंग एंट्री बना के रखी है और जब वी वेब के ऊपर प्राइस आ जाता है या उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप अपना सेलिंग एंट्री है जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। इस प्रकार आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। वी वेब का अगर शॉर्ट में रिव्यू करूं तो ये वॉल्यूम और कैंडल के एवरेज प्राइस को इंडिकेट करता है। अगर प्राइस वी वेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि प्राइस अभी बाहर के कंट्रोल में है और वी वेब यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। इसी प्रकार अगर प्राइस वी वेब के नीचे है तो यहाँ पर अभी प्राइस सेलर के कंट्रोल में है और वी वेब यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वी वेब की मदद से आपको एंट्री लेनी है निफ्टी में तो आप मॉर्निंग में 9:30 बजे और दोपहर में 1:30 से 2 बजे के बीच एंट्री ले सकते हैं। वी वेब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे टाइम फ्रेम में अपनी समान वैल्यू शो करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।